वेलकम टू क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी। दोस्तों ये यूपी टेट 2011 का अनसॉल्व पेपर है। मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही सत्यतापूर्वक आप लोगों के लिए 2011 का पेपर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसको मैंने दो भागों में विभक्त किया है दोस्तों, ताकि वीडियो भी लंबा ना रहे और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बना रहे। ये 2011 में 13 नवंबर 2011 को पेपर हुआ था। तो आइए डायरेक्ट सवाल पे देखते हैं। दिया गया है पहला सवाल, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, तथा यह टंकी आधा जल से भरा हुआ है, तो इस टंकी का आयतन या जल का आयतन बराबर होगा। ध्यान दीजिए, अगर जल का आयतन पूछ रहा है तो उसने डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया है कि टंकी आधा जल से भरा हुआ है। आधा का मतलब टंकी आधा ही हो, चाहे हम टंकी का आधा आयतन निकालें चाहे जल का आयतन निकालें, आएगा वही चीज़। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए जो उसका तल होता है, जो उसका टू डी पार्ट होता है, नीचे वाली सतह में उसकी ऊंचाई से गुणा कर देने पे हमें उसका आयतन मिल जाता है। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करने पे हमें किसी भी आकृति का आयतन मिल जाएगा। तो देखिए जो दोस्तों, ये गहराई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। आयताकार टंकी, इसका अर्थ यह घना भी होगा, आप सभी को पता है। टंकी का आयतन इन तीनों भुजाओं का आपस में गुणा कर लिया, 144, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आएगा मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी टंकी का आ गया 144। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट हमें भूलना नहीं है, अभी पॉइंट की बातें बाद में करेंगे दोस्तों। जल का आधा आयतन क्या आ गया, जब मैंने 144 को काटा 2 से तो 72 आ गया दोस्तों। यहाँ पे 4 के बाद दशमलव था तो 2 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, आपके लिए नोट्स है दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप मुझे पीडीएफ बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, ये आप ही के लिए है, आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई कुछ नहीं करना, केवल आप जैसे भाइयों की मदद करनी, मैं मदद के लिए हूँ। किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करने हैं तो उसके तल का क्षेत्रफल निकालकर उसके ऊंचाई से गुणा कर देने पे हमें आयतन ज्ञात हो जाता है दोस्तों। दूसरी सवाल है, 2011 में पूछी गई थी यूपी टेट की, कि दो समांतर रेखाओं की मध्य की दूरी होती है। दोस्तों आप बताओ, दो समांतर रेखा जैसे ये गई और ये गई, ये सीधी होगी और ये भी सीधी होगी, और ये एक दूसरे के समानांतर हैं, तो यदि इनके बीच की गैपिंग 1 सेंटीमीटर हो चाहे 2 सेंटीमीटर हो, वो लगातार कंटिन्यू यही बनी रहेगी। जैसे रेल की दो पटरियां हो गई, वो आपस में देखिए हमेशा बीच की गैपिंग समान रखती हैं। दो समांतर रेखा भी ऐसी होती हैं, ये और ये छोटी बड़ी से मतलब नहीं, ये छोटी हो सकती है ये बड़ी हो सकती है, लेकिन जो इनकी बीच की मध्य की दूरी है वो हमेशा असमान रहेगी। ठीक है, उसमें मतलब वो हमेशा समान रहेगी, इसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, ये समान रहेगी। जैसे दो यहाँ है तो दो यहाँ है, दो यहाँ, ये हमेशा ही इसके बीच की गैपिंग रहेगी दोस्तों। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल कौन सी है। दोस्तों बस एक सेकेंड, आइए क्वेश्चन नंबर 270 डिग्री माप के कोण उदाहरण है, कोण का उदाहरण है, 270 डिग्री माप का कोण का उदाहरण है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। एक्यूट एंगल मतलब क्या होगा, 0 से 90 डिग्री तक क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं या राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल देखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री होता है, जिसको हम अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कोण किसे बोलते हैं, हम रिफ्लेक्सिव कोण हम बोलते हैं 180 से ज़्यादा हो और 360 डिग्री तक हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। और दोस्तों 180 डिग्री एग्जैक्ट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं या सीधी रेखा कोण बोलते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपके बीच बहुत ही मैं मन से ले आया हूँ आप लोगों के लिए, और आप कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम परफेक्ट,
हर कोई परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, आप जैसे दोस्त उसको परफेक्ट बनाते रहते हैं। सीखना ही ज़िंदगी का मूल लक्ष्य होना चाहिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 108, 108 तथा 144 का लैसा होगा या नम एलसीएम पूछ रहा है। दोस्तों मैंने इसके लिए तीन विधि आपको बताई, तीनों विधि में से दो अच्छा लगे। एक तो है गुणनखंड विधि, सबसे पहले मैंने 108 का गुणनखंड किया और 144 का गुणनखंड किया दोस्तों। ये मैंने एलसीएम निकाला है, ये एचसीएम निकाला है। तो मैंने देखा एलसीएम कैसे निकलेगा, तो जो इसकी घात है एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो दो की सबसे बड़ी घात है उसको ले लिया और जो तीन की सबसे बड़ी घात है उसको ले लिया। मतलब तीनों में दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों में कई भी संख्या हो सकती है, तो दोनों में या जितनी भी संख्या उनमें जो संख्या हो जो कॉमन संख्या उनकी सबसे बड़ी घात लेके गुणा कर देते हैं। तो आंसर आ गया दोस्तों 432। एचसीएम के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में जो दोनों में हो लेकिन कॉमन तो हो लेकिन सबसे छोटी घात में हो, किस में हो सबसे छोटी घात में उसको ले लेते हैं। एलसीएम में सारी संख्याओं को लिखते हैं, एलसीएम में सभी संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर एक संख्या चार होती और यहाँ पे मतलब पाँच होता यहाँ पे ना होता तो पाँच भी लिखते, लेकिन एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में हमें सिर्फ जो कॉमन होती हैं उनको लेना होता है लेकिन छोटी घातों में लेना होता है। एक ये हो गया। एक तो दोस्तों सबसे पहले 108 लिखा फिर 144 लिखा। 144 क्योंकि 108 से बड़ा है तो बड़ी संख्या का हम गुणा करते हैं, गुणज करते हैं, ठीक है। जब हम गुणज करते हैं तो देखते हैं 144 दुना 288 होता है, 4 होता है और 108 दुना 216 324 चौका 432 होता है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसका ही गुणज क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। क्योंकि यहाँ पे 144 का गुणज 108 से कट रहा है इसलिए एलसीएम क्या होगा, 132 होगा, ठीक है दोस्तों। आइए एक और देखते हैं। जैसे एलसीएम लेने की ये भी है कि जैसे सबसे पहले 108 और 144 साथ में लिख दिया, गुणनखंड कर दिया, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए, दो के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, आपको आंसर लाना है, ठीक है। सबसे पहले बड़ी संख्या काटिए तो 3, 9, 12 आ जाएगा, फिर 3 से काटिए 3, 4 आ जाएगा तो 12, 3, 36, फिर 3 और 4 सहभाज्य गुणनखंड है तो इसका मतलब 12 का 3 से गुणा कीजिए, फिर इसका गुणा कीजिए, फिर इसका गुणा कीजिए, सबसे पहले फिर 432 आ जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या से जो विभाजित कर देता है वही होता है एलसीएम, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं की माप 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर होता है, त्रिभुज किस प्रकार का है। तो दोस्तों एक इस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो आइए देखते हैं। कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। देखिए कैसे, यदि दो भुजाएँ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। यदि दो भुजाओं वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, यानी दो भुजाएँ लंब और आधार, लंब और आधार का वर्ग कर्ण के आधार से बड़ा होगा तो न्यून कोण होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से, तब बनने वाला कोण क्या होगा, बनने वाला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है कर्ण से तो बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। आपको यहाँ त्रिभुज लगा लेना है। तो आइए देखते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, 5 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 25 और 144 जोड़ेंगे 169 आएगा, 169 बराबर 169 के हैं क्योंकि दोनों भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आई, अतः बनने वाला त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। दोस्तों एक क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योग कितना होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती, सबसे छोटी संख्या 100 होती, जोड़ देंगे तो 10,999 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुरू में तापमान 18 डिग्री सी बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सी घटता है, यदि प्रारंभ में तापमान क्रम 27 डिग्री सी हो तो अंतिम में तापक्रम क्या रहा होगा। प्रारंभ में कितना था, 27 था, फिर 18 बढ़ा, फिर 27 माइनस हो गया 18 एक मिनट दोस्तों यहाँ पे 27 नहीं, यहाँ पे 23 है, क्वेश्चन में 23 है, यहाँ 27 हो गया, ठीक।
तो शुरू में प्रारंभ में तापमान 27 डिग्री सी था, फिर 18 डिग्री सी हुआ, फिर 23 डिग्री सी घट गया। तो मैंने देखा कि पहले 23 में से 18 घटा देते हैं दोस्तों, -15 आता है, ठीक है, 27 में से 15 जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 है तो सब में माइनस माइनस, अगर सम संख्या में गुणा होता तो प्लस आता, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 पाँच में है तो सबसे पहले ऋण आएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, गुणा करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आप इसको 10 में परिवर्तित कर लिए। 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 4 = 120, 120 × 6 = 720 होता है। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, ठीक है, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 3 × 4 = 120, 6 × 6 आप कैसे भी करके इसको जीरो वाली संख्या में बदल के तब गुणा किया कीजिए, ठीक है। 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, घटाया है, आ गया है। सबसे पहले आप यहाँ से घटाया कीजिए, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1 के जी, और 5 में से 3 गया 5। आइए दोस्तों, अब ये देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। सबसे पहले जान लीजिए ये व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है, क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। यदि ये चीज़ इतनी थी तो ये चीज़ इतना व्यास कहलाएगी, ठीक है, आइए देखते हैं। और सबसे पहले जान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। एक बार फिर से, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। और वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या होती है, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। और त्रिज्या का दुगुना व्यास, त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, यानी 2r का तो मान हमें दे ही रखा है। 2r का मान क्या दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले में क्या रख देते हैं, इसी फार्मूले में हम रख देते हैं कि मतलब 2r का मान कितना दिया गया है, 35 दिया गया है, ठीक है। इसका व्यास का पूरा मान कितना दिया है, 35 दिया गया है। तो पाई गुणे 2r रख दिया, 2r का मान 3.5 है, और 5 क्या रख दिया, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जब इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 ग्राम में 11 आएगा, ठीक है। जब 3.5 से 7 काटेंगे तो 3.5 = 7 होता है, तो 2 बार कटेगा ये, 2 से 22 काटेंगे तो 11 आएगा। तो दोस्तों आपका 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पूछा गया है 9 साइड, मतलब कि क्या दोस्तों, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं, तो 9 ट्राईसाइकिलों में पहियों की संख्या 3 × 9 × 3 होगा, 9 × 3 = 27, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काट लिया गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों ये जो 10 सही 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं यूं, ये यूं लिख सकते हैं, 10 ÷ 1/2, और इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5/8। तो दोस्तों सबसे पहले 10 में से 4 घटा दिया, ये देखिए मैंने लिखा है 10 ÷ 1/2 − 4 ÷ 5/8। तो सबसे पहले मैंने 10 में से 4 घटा दिया, 6 आएगा, और फिर मैंने क्या किया, 1/2 में से 5 ÷ 8 घटाना है। तो दोस्तों हमें डायरेक्ट 2 को क्या करना है, 8 बना लेना है, 2 × 4 कर देना है, 1 × 4 कर देना है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा कि इसका जो एलसीएम है वो 8 आ जाएगा, और 4 में से 5 घटेगा, ठीक है, तो 1/8 आ जाएगा। तो 6 में से 1/8 घटाएंगे नहीं, तो 6 में से पहले हम 1 ले लेते हैं, 5 छोड़ दिया, जब 1 लिया तो 1 में से क्या करेंगे, हम 1/8 घटाएंगे। तो जब हम घटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 सही 7/8। आप इसको घटा ही लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, 8 में से 1 गया 7/8 आ जाएगा दोस्तों। दो ये अब आइए दोस्तों, इसका भाग करना है। सबसे पहले आज ये भाग देखते हैं, पहले इसको भाग देते समय आप दशमलव को भूल जाएगी, 36, 37, 188 लिख लीजिए। तो सबसे पहले 36 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 36 आएगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 उतार लिया, भाग तो 36 जाएगा नहीं, 0 उतार के 1 उतार लिया, फिर दशमलव बढ़ा दिया, दशमलव बढ़ा के 0 उतार लिया दोस्तों,
फिर आठ कर लिया, ठीक है। तो जब देखते हैं कि ऑप्शन में, सबसे पहले ऑप्शन चेक करें कि ऑप्शन में कितना आया है। अगर ऑप्शन में मुझे यही मिल जाता है और ऑप्शन में दिया गया था 2011 के पेपर में, तुरंत ऑप्शन से ही सवाल लग जाएगी, बस ऑप्शन के तीन डिजिट देख लिया कीजिए दोस्तों, आंसर आपको मिल जाएगा, पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसको हम दो पार्ट में 2011 और 2019 तक के जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं उनको हम दो पार्ट में विभक्त करेंगे दोस्तों, और सारे पेपर यूपी टेट के कराऊंगा, फिर उसके बाद सी टेट का कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब देखते हैं 999 तथा 3000 के बीच चार अंकों वाली कितनी संख्याएँ होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें 1001 माइनस 3001 कर देना है दोस्तों, तो 3000 कर देना है तो कितना आ जाएगा, 2001 आ जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। जैसे जब हम इसको 1001 करेंगे, 1001 से 1000 भी तो होगी, ठीक है, 1001 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 3000 तक जाएगी, ठीक है। हम 1000 से, देखिए पूछा क्या है, 999 से पूछा है और 3000 तक पूछा है, तो हमें 1000 को भी लेनी होगी, 1001 को भी लेनी होगी और 2999 को भी लेना होगा, तो 1000 भी जुड़ जाएगा और 2999 जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा 2000। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट 3000 में से 900 इतना घटा देंगे दोस्तों, आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक बढ़ा के घटाइएगा, एक जब भी दोनों के मध्य की संख्या पूछे तो एक बढ़ा के घटाइएगा, 2000 आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 से विभाजित करेगी। दोस्तों दो, सबसे पहले दो से विभाजिता का नियम जान लीजिए, जिन अंकों के लास्ट में 0, 4, 0, 4, 6, 8 हों वो संख्या दो से विभाजित होती है, और जैसे इन समस्त संख्या का जोड़ 9, 3, 9, 3, 12, 6, 18, 1, 19, अगर ये संख्या 3 से विभाज 19 3 से विभाजित होती तो ये पूरा संख्या कट जाता, ठीक है। यदि 4 से विभाजिता का नियम है, यदि इकाई और दहाई से बनी संख्याओं का बनी संख्याएँ 4 से कटती हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, 5 से अगर 0, 5 हो तो वो 5 से कट जाएगी, 6 से है यदि 3 और 2 से कटती है तो वो 6 से कट जाएगी। दोस्तों इसमें क्या करना है, सम स्थान और विषम स्थान का अंतर, सम स्थान या विषम स्थान का अंतर यदि 11 से विभाजित है, या तो 11 यदि 0 आ जाए या फिर 11 के गुणा आ जाए तो समस्त संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 9, 6, 15 होता है, 3 और 1, 4 होता है, जब मैंने 15 में से 4 घटाया तो 11 से कट जाएगी, तो मैंने लिखा कि यह संख्या बिना शेषफल बचाए 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। सबसे पहले 3, 4, 5, 6 विभाजिता का नियम लागू किया, वो फेल हो गया, तो मैंने 11 वाला किया तो 11 वाला पास हो गया, तो यही सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी पार्ट लाएंगे, बहुत अच्छे से लाएंगे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद जय भारत। आपको मैं यूपी टेट की भी क्लास धीरे धीरे उपलब्ध कराऊंगा, पहले अनसॉल्व पेपर हो जाए, फिर पूरे कोर्स वाइज पूरा लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है।